अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। एक जेलम से फितना उठा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा वो बदबख्त पहले दाता अली हजवेरी को भोंका, चुप कर बे कुत्ते, फिर पीर मेहर अली को भोंका। साढ़ा कुत्ता कुत्ता तो आढ़ा कुत्ता टॉमी, आका जी के कुत्ते हैं वाउ 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 वाउ। खुदा दा नारे बाबे नाल ना जोड़ लिया नो, ठीक है तेरी और मेरे खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को भंका। मेरा हला इस तरह किया है तो कुत्ता ही ना जाने से इनकार कर दे। किसी मौलवी दी खल पाड़े जी अल्लाह माफी दे, मौलवी सू नु छड़ दियो भाई जी, मैं कुत्ता ही ठीक हां। और ये बकवास करता रहा कि बाबे ते शाही कोई नहीं, फिर मैं इसलिए तो कहता हूं ना मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं, वो कहानियां करा के टूट गए, मेरे नबी ने जो बात जितनी थी वो बताई है। बदबख्ता शाही ते तू कोई नहीं। उसका नाम लेना भी जो है वो अपनी महफिल को खराब करने वाली बात है, लेकिन चूंकि फितना इतना बढ़ चुका है यार, फितने के लफ्ज से बड़ा डर लगा। और वो कह रहे हैं जी इंसानी तारीख में इतना बड़ा कोई फितना नहीं आया जितना बड़ा फितना इंजीनियर है। बिल्कुल ठीक है, ये अरबी वाला फितना है, आजमाइश। आज जरूरत इस अमर की है कि सबसे पहले जी मौलवियों को इकट्ठा करके वेटिकन सिटी को बनाए पाकिस्तान के अंदर और इसमें इनको कैद करते हैं, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। चुको इन्होंने पहले, चुक के पहले इन्होंने सुट, डबल अजाब दे इन्होंने कि हम सरेआम मेंबरों के बयान करें कि बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है, झूठ बोलता है वो। ठीक है यार हंस लेते हैं। कभी आप उलमा अहले सुन्नत के पास आके बैठे तो सही, सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो को वायरल करता है उसको ढूंढे और उस बंदे को मिले पर्सनल में, तो खुदा के बंदे तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल सही, चुप के रखो काम। बताए जिस बंदे की बातें सुन के 1400 साल का दीन मशकूक नजर आने लग जाए। लेकिन बाबिया विच अक्सर बाबिया ने काम चुप के रखे है, उत्ते उत्ते कुछ नहीं किया, अंदर उन्हें काम पा के रखा। दाता साहब भी ठीक नहीं, कोई भी जनाब अल्लाह का वली ठीक नहीं है, तो यही जेलम का छोकरा ठीक है सिर्फ। सबसे बड़ा बाबा वो जिसने हजार साल के बाबों की गलती निकाल दी, यानी वो जो कहता है कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शे ही कोई नहीं।